तो एक नए चैप्टर में आपका स्वागत है। यह है मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। मैंने कहा था जो रुके हुए चैप्टर्स हैं उसको फटाफट करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को पेपर से पहले पहले निपटा लेते हैं, ठीक है। तो मांग की लोच पार्ट नंबर वन, देखो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, मांग की लोच होता क्या है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। तो मांग की लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, यानी जो प्राइस है उसमें जो प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है, तथा मांग में होने वाले, यहां पे कीमत है इधर मांग है, तो मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की माप है। यानी ये क्या बता रहा है, ये जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यानी जो मांग की लोच है, ये क्या बता रहा है, ये कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की माप है। अगर देखो सही लैंग्वेज में बोला बोला जाए, क्योंकि ये जो मांग की लोच है बेटा, अब जो डेफिनेशन आपकी बुक में आती है वो कीमत मांग की लोच आती है बेटा। क्या आती है, कीमत मांग की लोच, क्योंकि मांग की लोच में कीमत मांग की लोच भी एक चीज, एक हेड होता है, और उसी की डेफिनेशन आपको पढ़ाई जाती है अब जो पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। वैसे मांग की लोच को अगर डिफाइन करना चाहे तो हम इस तरह से कर सकते थे कि मांग की लोच सभिप्राय, ठीक है, मांग में परिवर्तन यानी जो मांग मात्रा है उसमें परिवर्तन, और मांग को प्रभावित करने वाले किसी भी कारक में परिवर्तन अगर होता है, ठीक है ना, तो उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच कहते हैं। यानी मांग को प्रभावित करने वाले कोई भी फैक्टर आ जाए, मांग को प्रभावित करने वाला कोई भी फैक्टर आ जाए, अगर उससे अगर मांग में परिवर्तन आ जाता है तो वो मांग की लोच कहलाता था। क्लियर हो गया। बट यहाँ पे जो हमने लिखवाई है आप इसी को ध्यान में रखोगे, और इसके अकॉर्डिंग क्या लिखवाया है मैंने, मांग की लोच जो है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन की माप है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चल उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा नीचे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि मांग का नियम अन्य बातें समान रहने पर, यानी जो मांग का नियम होता है वो क्या कहता है, वो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और मांग के बीच में गुणात्मक संबंध को बताता है। यानी एक तरह से बोलूं तो मांग का नियम वस्तु की कीमत और उसकी जो मांग मात्रा उसके बीच में विपरीत संबंध को, ऋणात्मक संबंध को बताता था, याद होगा आपको। तो उसने बोला मांग का नियम जो है ना बेटा वो हमेशा गुणात्मक संबंध बताएगा। तो आपसे कई बार पेपर में आता है कि ये क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव क्या बताता है, कौन सा संबंध बताता था, ये बताता बेटा क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी मतलब गुणात्मक बताता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अर्थात मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के बीच में मात्रात्मक संबंध, जिसको परिमाणात्मक संबंध कहते हैं, उसको नहीं बताता। मांग का नियम सिर्फ गुणात्मक संबंध बताता है, वो कभी भी मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव या परिमाणात्मक संबंध को नहीं बताता। तो उसका मतलब मात्रात्मक या परिमाणात्मक संबंध को कौन बताएगा, उसको बताएगा बेटा मांग की लोच, ठीक है ना। तो जब वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के बीच संबंध को मात्रात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे मांग की लोच कहा जाता है। तो देखो क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले मांग की लोच में हमने क्या पढ़ा कि मांग की लोच क्या, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन यानी मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की माप है। क्लियर हो गया। फिर हमने पढ़ा कि मांग का नियम अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के बीच में ऋणात्मक संबंध को बताता है, गुणात्मक संबंध को बताता है। क्लियर, ऋणात्मक गुणात्मक संबंध को बताते हैं, गुणात्मक वे में होता है, ठीक है ना। ये जो मांग का नियम है वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के बीच में मात्रात्मक यानी परिमाणात्मक संबंध को नहीं बताता। तो अगर आपको परिमाणात्मक या मात्रात्मक संबंध चाहिए तो उसके लिए मांग की लोच आता है। तो ये याद रख लो, मांग का जो मांग वाला चैप्टर है जो आपका, ठीक है, उसमें जो संबंध है वो गुणात्मक है बेटा। क्या है, गुणात्मक। और मांग की लोच में जो संबंध है वो कौन सा है, मात्रात्मक यानी परिमाणात्मक संबंध है। क्लियर है। मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 लिखा है, ये मेरे अकॉर्डिंग में अपने आपको चैप्टर चलाता हूँ, मैंने चैप्टर नंबर 4 लिखा है। हो सकता है आपकी बुक में चैप्टर नंबर 6 हो, 5 हो, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है ना। बट मैं इसको चैप्टर नंबर 4 लिखता हूँ, तो चैप्टर पे ध्यान मत दो, आप खाली ये देखो चैप्टर मांग की लोच हो रहा है जो आपकी बुक में भी है और मेरी बुक में भी है। क्लियर है ना। तो ये फटाफट से नोट डाउन कर लिया आपने कि मांग का लोच क्या होता है, और उसके अलावा हमने क्या बोला कि मांग की लोच के जो नियम के बारे में बताया कि ये गुणात्मक वे में जाएगा या मात्रात्मक वे में जाएगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा पहले। अब मांग की लोच के प्रकार, मांग की लोच 3 तरह का होता है बेटा। एक तो कीमत मांग की लोच, कौन सी मांग की लोच, कीमत मांग की लोच। दूसरा आय मांग की लोच, बेटा कौन सी मांग की लोच, आय मांग की लोच। और तीसरी जो है बेटा वो तिरछी यानी आड़ी मांग की लोच है बेटा। क्या, तिरछी यानी आड़ी मांग की लोच। तो कितने तरह की मांग की लोच हो गई आपकी, मांग की लोच 3 तरह की होती है। एक तो आपकी होती है कीमत मांग की लोच, नंबर 2 आय मांग की लोच, और नंबर 3 तिरछी, जिसको हम आड़ी मांग की लोच भी कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, फटाफट से नोट डाउन करो। अब आगे देखिए ध्यान से, कीमत मांग की लोच होता क्या है बेटा। कीमत मांग की लोच से अभिप्राय वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, यानी वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा
वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का क्या है? अनुपात है। यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? कीमत मांग की लोच कहते हैं, जिसको मैंने ई और छोटा डी बनाया है, जिसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस तरह से लिखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस तरह से ई डी करके लिखते हैं बेटा, ठीक है ना। डी छोटा है और ई बड़ा है स्टार्ट में, ठीक है ना। तो इसने बोला ये होता क्या, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? कीमत मांग की लोच कहते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर आप मार्कर इस वाले मार्कर की मांग देख रहे हो तो इसी की ही कीमत देखनी पड़ेगी, किसी दूसरी वस्तु की कीमत नहीं देखनी। अगर आप चेयर की मांग देख रहे हो यानी डिमांड कर रहे हो तो चेयर की ही कीमत देखनी, उसी चेयर की जिसकी आप बात कर रहे हो मांग, ठीक है। तो जिसकी मांग उसी की कीमत, बात समझ आ गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कीमत मांग की लोच से अभिप्राय वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से। मैंने यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि जो मांग और कीमत होता है उसके बीच में बेटा ऋणात्मक संबंध होता है। क्या होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। ये नेगेटिव रिलेशन को बताता है, बाकी और कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगता है, तो आप बोलोगे माइनस का साइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है कि मांग और कीमत के बीच में, यानी कीमत और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। क्लियर हो गया। देन उसके बाद आया आय मांग की लोच क्या होता है। तो वही आय मांग की लोच से अभिप्राय वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, सेम वही लाइन है, वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उपभोक्ता की आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से। यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन और उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन, इसका मतलब जब मैंने कीमत मांग की लोच लिखा था तो उसमें भी मांग में प्रतिशत परिवर्तन था, यानी मांग की गई जो मात्रा होती है उसमें प्रतिशत परिवर्तन और नीचे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कीमत वाले में कीमत आता है और आय वाले में नीचे उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन आता है। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो कीमत मांग की लोच मांग की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन या मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है, जबकि आय मांग की लोच मांग में प्रतिशत परिवर्तन या ऐसे लिख सकते हो मांगी गई मात्रा में जो भी है प्रतिशत परिवर्तन और उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन और उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को आय मांग की लोच कहते हैं। यहीं पे याद हो रहा होगा ना, ठीक है, फटाफट करिए जल्दी से, ठीक है ना। अब आगे देखिए ध्यान से, तिरछी या आड़ी मांग की लोच क्या होती है। बेटा तिरछी या आड़ी मांग की लोच से अभिप्राय वस्तु एक्स की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, यानी जो वस्तु एक्स है उसकी मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा जो वस्तु वाई है, ठीक है, उसकी कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से, ठीक है। यानी तिरछी आड़ी मांग की लोच जो है वस्तु एक्स की, यानी एक गुड्स ऐसा होगा जिसकी मांग में प्रतिशत परिवर्तन देखना है और जिसकी मांग में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है उसकी कीमत नहीं देखनी है, पर किसी और की देखनी है, यानी वस्तु वाई की कीमत देखनी है। तो वस्तु एक्स की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु वाई, वस्तु एक्स की तो मांग हो गई और वस्तु वाई की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को तिरछी आड़ी मांग की लोच कहते हैं। देखो तीनों ध्यान से देखो, ध्यान से, पहला था कीमत मांग की लोच, यानी मांग में वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, कीमत मांग की लोच कहते हैं। इसमें एक चीज याद रखनी होती, जिसकी मांग उसी की कीमत, ठीक है, कोई दूसरा गुड्स यहाँ पे नहीं आता, दूसरी वस्तु यहाँ पे नहीं आती। फिर आया आय मांग की लोच, इसमें क्या था, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन और उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को आय मांग की लोच कहते हैं। यहाँ पे आय नीचे आएगा, पहले वाले में कीमत नीचे आएगा, ठीक है। और जो तीसरा है तिरछी आड़ी मांग की लोच, इसमें क्या, वस्तु एक्स की तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन देखना है और वस्तु वाई की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन देखना है, तो इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, तिरछी या आड़ी मांग की लोच कहते हैं। क्लियर हो गया। देन उसके बाद आया मांग की जो कीमत लोच होती है उसकी कुछ श्रेणियां होती है, उसकी कुछ कोटियां होती है। और अगर आपको श्रेणियां कोटियां याद नहीं रहता है तो इंग्लिश में इसको डिग्रीज बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, डिग्रीज बोलते हैं। इलास्टिसिटी यानी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कीमत मांग की लोच है, उसकी कुछ डिग्रीज होती है। वो डिग्रीज कौन कौन सी है उन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो पहला है पूर्णतया लोचदार, जो पूरी तरह से लोचदार है। देखो कोई भी चीज अगर मैं इस मार्कर को खींचने की कोशिश करूंगा, क्या खींचेगा, नहीं खींचेगा, छोटा कोशिश करने की कोशिश करूंगा, क्या छोटा पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये बेलोचदार है बेटा। क्या है, बेलोचदार, इसमें लोच नहीं है, ठीक है। आपने इलास्टिक देखा हो ना, इलास्टिक को जितना खींचते हैं खींच जाता है, छोड़ते हैं छोटा हो जाता है,
इसका मतलब वो लोचदार है। तो बहुत बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि जो चीज खींच सकती है बड़े बड़ी हो सकती है वही लोचदार होती है, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई चीज कम या ज्यादा हो सकती है वो लोचदार है बेटा, इसका मतलब सिर्फ ज्यादा लोचदार नहीं, अगर आप किसी को कम कर सकते हो तो वो भी लोचदार है। तो जिसमें परिवर्तन आता है वो लोचदार, जिसमें परिवर्तन नहीं आता वो बेलोचदार। कॉन्सेप्ट समझो ना, लोचदार बेलोचदार होता क्या है, ठीक है ना। तो मैं दोबारा बोलूं, अपने दिमाग से ये चीज हटा देना कि सिर्फ बढ़ने को ही लोचदार कहते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई चीज एकदम बढ़ रही है तो लोचदार, एकदम से घट रही है तो भी लोचदार, ठीक है ना। जैसे इलास्टिक बढ़ने खींचा जाए तो खींच जाता है, छोटा करा जाए जो छोड़ा जाए तो छोटा भी हो जाता है, तो वो लोचदार है, क्लियर हो गया। और बेलोचदार जो ना तो बढ़ सकता है ना ही घट सकता है, जैसे जिद्दी, जो बिल्कुल जिद्दी टाइप के होते हैं, इनको कितना भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप सब लोग हो गए, आपको कितना भी बोल लो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी एकदम परफेक्टली ढीठ। अगर आप परफेक्टली ढीठ हो तो इसका मतलब आप परफेक्टली बेलोचदार हो, और आपको थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत पड़ता है, तो आप सिर्फ बेलोचदार हो। तो बेलोचदार और परफेक्टली बेलोचदार में भी थोड़ा सा अंतर है, वो हम धीरे धीरे समझेंगे, बट आप क्या ढीठ हो ये समझ लो तो कंफर्म है, ठीक है ना। तो पूर्णतया लोचदार, मांग की लोच, तो पूरी तरह से ये लोच है, इसमें पूरी तरह से ये कम या ज्यादा होता है। तो इसको बोलते हैं बेटा ईडी इक्वल टू अपरिभाषित, ये इंफिनिटी का साइन जो बनता है, ठीक है, नॉट डिफाइन का बनता है ना, इस वाला साइन बनाना है। तो ईडी इज इक्वल टू नॉट डिफाइन यानी इंफिनिटी अपरिभाषित अनंत, इस टाइप का जो वर्ड होता है, क्लियर होगा। फिर पूर्णतया बेलोचदार, जो पूरी तरह से परफेक्टली ढीठ, जिसको इतना भी रत्ती भर भी फर्क ना पड़े, मैंने बताया जैसे आप सब लोग, ठीक है ना, तो जिसको किसी रत्ती भर भी फर्क ना पड़े वो पूर्णतया बेलोचदार। इसका मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी जो होगी वो क्या होगी बेटा, जीरो, यानी इलास्टिसिटी और डिमांड यहाँ पे जीरो होगी। फिर आता है इकाई लोचदार बोलो या इकाई के बराबर मांग की लोच। इकाई के बराबर मांग की लोच मतलब होता है ईडी इक्वल टू वन, क्या होता है ईडी इक्वल टू वन, होता क्या है समझाऊंगा, सबकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा धीरे धीरे। ये ईडी इक्वल टू वन इकाई के बराबर है। फिर इकाई से अधिक मांग की लोच बेटा, इकाई से अधिक मांग की लोच जिसको हम लोचदार बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, लोचदार बोलते हैं। अरे इकाई से अधिक है इसका मतलब ग्रेटर देन का साइन बनेगा ऐसे। तो अगर पेपर में लोचदार लिखा हुआ है तो ये वाला है बेटा, पूर्णतया लोचदार लिखा है तो ये वाला है। तो पूर्णतया हमेशा लगा के देगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। और अगर इसमें सिर्फ लोचदार लिखा है तो समझ जाना वो ये वाला है लोचदार, ठीक है ना। फिर इकाई से कम यानी हमारा बेटा बेलोचदार है बेटा, क्या है, बेलोचदार। तो उसको बोलते हैं ईडी लेस देन वन, यानी जिसपे फर्क तो पड़ रहा है पर बहुत कम पड़ रहा है, ढीठ हो मगर थोड़े कम ढीठ हो। दो तरह के बच्चे होते हैं, परफेक्टली ढीठ या थोड़े ढीठ, तो ये थोड़ा ढीठ है बेटा, ठीक है। तो इकाई से कम बोलो या बेलोचदार लिखा हुआ आएगा तो समझ जाओ, और जो बिल्कुल परफेक्टली होगा उस पर पूर्णतया बेलोचदार लगा हुआ आएगा, क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। फटाफट से सब नोट डाउन कर लो, ठीक है, और फिर मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, वहां पे इन सबको मैं डिफाइन करूंगा ये होते क्या है विद ग्राफ, ठीक है, चलो।